Going to discuss about the second chapter of your history book. The chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. You may be in wonder, आपको थोड़ा आश्चर्य होगा because in your schedule routine you will read about the what that was the Nazism in Europe and the rise of Hitler. But in my opinion that in some classes there were only two topic of your this chapter had been taught, so I have decided to start your chapter from where the topic 3 of the socialism in Europe and the Russian Revolution. आपका इस चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है हम आपको वहीं से बता देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज इन कमिंग एग्जामिनेशन यू विल गिव रिटन टेस्ट एंड यू देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम क्रिएटेड बिफोर यू. सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट योर चैप्टर और स्टार्ट योर टॉपिक फ्रॉम वेयर द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बुक दैट इज द सोशलिज्म इन यूरोप. Now I am going to teach you the February Revolution in Petrograd means February Revolution of Russia in 1917. आप इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अगर आपसे कोई पूछेगा कब का तो यहाँ पर हम एक डेट लिख दे रहे हैं 1917, February Revolution of 1917, अक्टूबर Revolution से पहले जो हुआ था through which the monarchy system was removed and a republic government whose head was Kerensky came into power. उसके वहाँ से हम आपको बताने का काम करेंगे. But how the rule of Tsar Nicholas II was removed. Tsar Nicholas II का शासन कैसे खत्म हुआ वहाँ से हम आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करना है. इन दिस चैप्टर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए या बैक का कुछ याद करा दे इसके लिए आप जो जो चीज़ पढ़ चुके हैं वो आप जानते हैं. द इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड रिफॉर्म्स वर्क इन द टेरिटोरी ऑफ यूरोप. रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 इन रशिया गेव ए न्यू डायरेक्शन टू द यूरोपियन टेरिटोरी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट वॉज द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म. इसके अलावा और आप पढ़ चुके हैं द आइडिया ऑफ सोशलिज्म केम इन टू एग्जिस्टेंस अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म. आप ये भी जानते हैं सोशलिज्म का आइडिया कैपिटलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट में आया था. मींस अंडर इंडस्ट्रियल रूल अंडर रूल ऑफ द Tsar Nicholas II देयर वॉज द मोर एक्सप्लाइटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बाय द आप जानते हैं डोमिनेंट क्लास ऑफ द सोसाइटी. इस सब पॉइंट को आप पढ़ चुके हो. तो हाउ the rule of Tsar Nicholas II, autocratic rule of Tsar Nicholas II came to an end, वहाँ से हम आपको बताने जा रहे हैं. What situation was created in the territory of Russia in February 1917 which forced the people to drive out the autocratic rule of Tsar Nicholas II and established a republic government, वहाँ से हम आपको बताने जा रहे हैं उसको समझाने जा रहे हैं. इससे पहले वाले बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू हैव बीन ऑलरेडी टॉट इन योर क्लास. आपको क्लास में बताया गया है आप लोग उसके बारे में जानते हैं. जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट सिचुएशन वॉज क्रिएटेड इन दशा इन फरवरी 1917 में के फरवरी महीना में रसा में क्या कंडीशन क्रिएट हुआ. व्हाट सिचुएशन वाज क्रिएटेड दैट फोर्स द रेवोल्यूशनरी टू ड्राइव दैट गवर्नमेंट एंड न्यू गवर्नमेंट शुड बी सेट अप या न्यू गवर्नमेंट केम इन टू बींग. ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में बताने जा रहे हैं. याद रखना इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ रसा ऑन दैट टाइम पेट्रोगार्ड आप जानते हैं. आगे चल करके फिर इसका अपना ये होगा. बट ऑन दैट टाइम इन द टेरिटोरी ऑफ द कैपिटल सिटी पेट्रोगार्ड द कंडीशन वॉज वेरी ग्रीम. स्थिति बद से बदतर बनी हुई थी. इफ यू विल सी द लेआउट ऑफ द रसा अगर आप वहाँ का अध्ययन कीजिएगा तो क्लियर कट आपको मिलेगा दैट देयर वेयर द डिवीजन ऑफ द पीपुल इन द सोसाइटी ऑफ रसा इन द सोसाइटी ऑफ वेयर दैट वॉज द पेट्रोगार्ड. There is the very important river. What is the name of that very river? उस river का नाम है that is river Neva. What is the name of the river? That is river Neva. आप अपना book अगर लेकर के बैठे हुए हो तो you can easily search out this name in the third, fourth line of your this chapter topic. So what was the name of the river? That was river Neva. उस नदी का नाम था river Neva. In the left, right bank side.
there was the existence of the factory industries and the workers quarter. वहाँ पर factory industry का existence था और workers quarter था. And in the left side of the river bank, means in the left side of the bank of river Neva, there was the there were the fashionable areas of the fashionable areas था, means there was the existence of winter palace and the official building. वहाँ पर राजा रहते थे, उनके जो कोर्टियर या मिनिस्टर्स थे उसका व्यवस्था था, अदर ऑफिसर्स उनका क्वार्टर पड़ता था लेफ्ट बैंक साइड ऑफ दैट वेरी रिवर, इंक्लूडिंग द ये पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट. यहाँ तक आपको बताया जा रहा, व्हाट वाज ड्यूमा, यू हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ 1905 द पोलिटिकल बॉडीज ऑफ रसा वॉज सेटअप, इट्स नेम वॉज ड्यूमा. द पैलेस ऑफ ड्यूमा वॉज ऑल्सो लोकेटेड इन द लेफ्ट बैंक साइड ऑफ द रिवर नेवा. कहने का अर्थ है नेवा नदी के बाएं साइड में जितना भी इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल क्वार्टर एज वेल एज द ऑफिस था लोकेटेड इन दैट वेरी साइड, उसी साइड में वो लोकेटेड था. तो बताया जा रहा है यहीं पर, मींस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बॉडी ऑफ द रसा लाइक डीमा ऑल्सो लोकेटेड इन द लेफ्ट बैंक साइड ऑफ द रिवर नेवा. व्हाट सिचुएशन वॉज क्रिएटेड इन फरवरी 1917, the condition of food shortage created in the territory of workers quarter, means right bank side of the river. उस area में shortage of the grain create हो गया था क्योंकि agriculture उस साल बुरी तरह से fail हुआ था due to coldness. देखिए आगे का line आपको clear कर देगा. In February 1917, food shortage were deeply felt in the workers quarter. The winters was very cold. ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ रही थी एंड दैट वाज द कॉज देयर हैड बीन द एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड द हेवीएस्ट स्नो. कस करके मतलब बर्फबारी पाला पड़ना ये कंडीशन हो गया. एंड आप जानते हैं कोल्डनेस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर, मींस द एग्रीकल्चर ऑफ रसा वाज बैडली रुइंड एंड दैट क्रिएटेड द कंडीशन ऑफ व्हाट दैट वाज द शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन. So common workers were not, industrial workers were not in position to sustain very well. जो स्थिति उनकी बनी हुई थी उनका अब लाइफ चलना संभव नहीं था. इस स्थिति में क्या हो जाता है, पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू किसके लिए, तो प्रिजर्व द इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी आर अपोज टू द जार्स डिजायर टू डिजॉल्व द ड्यूमा. आपको पता होना चाहिए आफ्टर फरवरी आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ 1905, आप जानते हैं 1905 में पहला ये हुआ था रेवोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज द रिहर्सल ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1917. तो थ्रू द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 जिसमें कौन सी घटना घटी थी, ब्लडी संडे का आप लोग जानते हैं. तो आफ्टर दैट वेरी इंसिडेंट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बॉडी केम इन टू एग्जिस्टेंस दैट वॉज द ड्यूमा. नाउ किंग डिसाइडेड टू डिजॉल्व ड्यूमा. अब किंग के तरफ से क्या डिसाइड किया गया था कि वो ड्यूमा को डिजॉल्व करना चाहता था. व्हाट वॉज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द मोनार्क, बाय द ऑटोक्रैट, दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व ड्यूमा. सो पार्लियामेंटेरियन विशिंग टू किसके लिए, प्रिजर्व द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो चुनी हुई वो हाउस थी लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसको बनाए रखना चाहते थे और इसलिए वे आर अपोज बाय द जार्स डिजायर टू डिजॉल्व द ड्यूमा, मींस वो भी किसका विरोध कर रहे थे, राजा का. व्हाट वाज डिसाइडेड बाय द किंग दैट ड्यूमा शुड बी डिजॉल्व. आप जानते हैं इट वाज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड देयर वेयर सो मेनी एक्शन टेकन बाय द किंग विदाउट टेकिंग द एसेंट ऑफ द ड्यूमा. बिना ड्यूमा का एसेंट लिए हुए, बिना एडवाइस लिए हुए वो अपने मन से मनमानी करता चला जा रहा था. फाइनली किंग डिसाइडेड टू डिजॉल्व ड्यूमा, ड्यूमा को डिजॉल्व कर दिया जाए इसका ले लिया था. सो पार्लियामेंटेरियंस वेयर टू मच annoyed to the existing government, existing monarch of the country. वहाँ के जो राजा जॉन निकोलस सेकेंड था उसे काफ़ी चिड़े हुए थे. अब आइए, व्हाट सिचुएशन वॉज क्रिएटेड इन द राइट बैंक साइड ऑफ द रिवर नेवा ऑन 22 फरवरी 1917. 22 फरवरी 1917 के दिन रसा में क्या हुआ, स्पेशली कहाँ, दैट इज द राइट बैंक साइड ऑफ द रिवर. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू डिटेल्स अबाउट दैट वेरी इंसिडेंट, हाउ दे क्रॉस द रिवर नेवा एंड इंटर्ड इन द टेरिटोरी ऑफ लेफ्ट बैंक साइड ऑफ द रिवर एंड हाउ दे ट्राई टू कैप्चर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसका हम आपको डिटेल बताने जा रहे हैं. ऑन 22 फरवरी ए लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक. कहने का अर्थ है ताला जड़ दिया गया फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में. द नेक्स्ट डे वर्कर्स ऑफ द 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड द स्ट्राइक इन सिंपैथी.
और अगले दिन क्या कर दिया गया, पहले 22 फरवरी को बता दिया गया एक फैक्ट्री में को बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। लेटर ऑन द वर्कर्स ऑफ द अदर फैक्ट्री 50 फैक्ट्री डिसाइडेड टू सपोर्ट दैट वेरी वर्क ऑफ दैट वेरी एक्शन ऑफ द वर्कर्स। सो इन देयर सपोर्ट दे ऑल्सो वेंट ऑन स्ट्राइक, दे ऑल्सो क्लोज द फैक्ट्री। इन मेनी फैक्ट्रीज वीमेन लेड टू द वे टू स्ट्राइक, दिस केम टू कॉल द इंटरनेशनल वीमेन्स डे। अब आपको बताया जा रहा है when workers went on the strike in the one factory industry, then later on it was supported by the workers of the another 50 factories and the women worker, aap jante hain 31% of the total workforce was occupied by whom, shared by whom, that was by the women। वहाँ की जितने भी workforce थी उसका 31% कौन शेयर करती थी, that was the women। They also decided to go on the strike, they also decided to support the workers। वो भी किसको support करने के लिए ready हो गए, workers को support करने के लिए ready हो गए। They also went on a strike, वो भी strike पर चले गए, हम किसी भी कीमत पर अब काम नहीं करेंगे। Means they were not ready to सपोर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, अब वो इंटरेस्ट के सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, और राजा के जो एक्सप्लाइटेसिव नीति था उसको भी सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। नाउ व्हाट एक्शन वाज टेकन बाय देम, जरा इसको देखिए। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। इन द बिगिनिंग स्टेज फरवरी रेवोल्यूशन, जहाँ से प्रारंभ होता है फरवरी रेवोल्यूशन, इन द बिगिनिंग स्टेज इट वॉज ओनली ऑर्गेनाइज बाय द वर्कर्स, देयर वॉज नो इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं था, वो इसमें इंटरवीन नहीं कर रहा था। लेकिन ये पॉलिटिकल मैटर कब से बना, तो ज़रा देखिए। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग वेयर सराउंडेड बाय द वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू। अब देखो क्या हो जाता है, these workers finally across the river Neva, Neva right bank side से ये लोग कहाँ चले आए, तो right bank side, and generally they surrounded, वो क्या करने का प्रयास किए, तो जो government building था उसको घेरने का प्रयास किया। that action was taken by the whom, by the workers। I am also explaining the content in the Hindi because there should be no any problem to you, आपको problem नहीं होना चाहिए, you should easily understand what is the content of this chapter, इसका क्या है, इसलिए हम आपको English के साथ साथ हिंदी भी करते चले जाना है। Means what was the reason behind rebellion by the workers, why they cross the river Neva, entered in the territory of where, that was the left bank side of the river Neva, and why they decided to what capture the government building, or why they surrounded the government building, यहाँ तक आपको हम बताने का काम किए। अब आगे ज़रा देखिए क्या हो जाता है, how political party interfere in this matter, कहाँ से अभी भी नहीं होगा, आगे देखिएगा, जहाँ से मिलिट्री ये कौन सा ग्रुप और वर्कर्स दोनों का जब ग्रुप बनता सोवियत यूनियन, वहाँ से पॉलिटिकलाइज होता है ये मैटर। जरा देखिए कौन सा डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स बाय द इवनिंग, सबसे पहले तो आपको बता दिया गया जो दे क्रॉस द रिवर नेवा एंड इंटर्ड इन द टेरिटोरी ऑफ द लेफ्ट बैंक साइड, दे सराउंडेड द गवर्नमेंट बिल्डिंग, इन दैट वेरी कंडीशन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोज कर्फ्यू, वहाँ पर कर्फ्यू लगे की घोषणा कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया, दैट वॉज डन बाई द किंग, राजा के तरफ से, सरकार के तरफ से कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। इस स्थिति में डिमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स बाय द इवनिंग, शाम होते होते वो डिस्पर्स हो गया। याद रखना इट वॉज स्टार्टेड ऑन 22nd of February 1919, दिस इंसिडेंट इज रिलेटेड टू 22nd, 23rd, 24th। देखो क्या कंडीशन दिया जा रहा है। सो नेक्स्ट बताया जा रहा है डिमोन्स्ट्रेटर डिस्पर्स बाय द इवनिंग बट द दे केम बैक ऑन द 24th and 25th। आपको बता दिया गया शाम के समय 23rd फरवरी को उसको कर्फ्यू के कारण what was dispersed, that was the rebellion movement was dispersed, but coming days on 24th and 25th February they again arrived in that very territory and they tried to capture the government building, the government called out the cavalry and police to kiske liye, to keep on the eye on them, the way of the workers was peaceful, so cavalry was called, आप जानते हैं सेना को बुला लिया गया और उस पर कड़ी नज़र रखने के लिए कहा गया, किसके ऊपर, that was the
revolutionary government. At any cost, they should not take any violent action against the government or government officers. इसके लिए उनको proper ध्यान देने के लिए कहा गया. अब आइए, what incident took place on the Sunday 25th February 1917? 25 फरवरी 1917 कौन सा दिन था? इट वॉज द डे ऑफ संडे, रविवार का दिन था. व्हाट इंसिडेंट टू प्लेस, इसको जरा देखिए. द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा. व्हाट एक्शन वॉज टेकन बाय द किंग? किंग डिसाइडेड टू डिसॉल्व ड्यूमा. मीन्स जार निकोला सेकेंड डिसाइडेड टू डिसॉल्व ड्यूमा. व्हाट वॉज ड्यूमा? इट वॉज द पोलिटिकल बॉडी ऑफ रसा. What do you mean by the term political body? It was the legislative body of the Rasa who make the new law for the country, as well as it acted as the advisory body of the king. Raja ke liye advisory body ke roop mein kaam karta tha. But king was not ready to make any consult with whom, that was the Duma. So finally it was dissolved. Isliye isko kya kar diya gaya? Duma ko dissolve karne ka kaam kar diya gaya. Who dissolved Duma? That was the king. Ab dekho, what reaction was taken by the? It was the incident from where political party entered in this field. Means political party, member of political party also decided to join this revolution. Initially, this revolution was organized by the whom? Only by the industrial workers. Beginning stage में फरवरी revolution को organize करने का काम कौन किया था? तो industrial worker के द्वारा किया गया था. But later on, the member of political party also joined it. आपको यहाँ पर एक clear cut clue मिला. Why political party became interested to join this revolution? Because on 25th February 1917, Duma was also dissolved by the whom? By the government, by the king. Who was king on that time of the Rasa? That person was Tsar Nicholas II. That was the major mistake. वो blunder का ये mistake नहीं है, बल्कि it was blunder. And that was the major reason they decided to drive out or the remove the king. यही सबसे बड़ा कारण था कि अब वातावरण किसका बनने लगा, राजा को राजगद्दी से हटा दो. Demonstrator returned to the force the street of the left bank on the 26th. On the 27th, the police headquarters were ransacked. अब आपको क्या बताया गया, 25th को किसको डिजॉल्व कर दिया गया? दैट वॉज ड्यूमा वॉज डिजॉल्व. पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द दिस मेजर. राधा के इस काम का, गवर्नमेंट के इस काम का कसकर के विरोध होने लगा. इस स्थिति में डिमोन्स्ट्रेटर रिटर्न टू फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26th. अब देखो, वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए कौन तैयार हो गए? दे वे आर द पॉलिटिशियन. सो वर्कर्स री स्ट्रेंथेन, वो अपने आप को ज़्यादा मजबूत पाए और 26 को फिर से ये आंदोलन करने का डिसाइड किया. कहाँ? तो ऑन द लेफ्ट बैंक साइड. इट वॉज द साइड, लेफ्ट बैंक साइड ऑफ द रिवर नेवा. उसी प्लेस तरफ आप देखिएगा, विंटर पैलेस था, मीन्स किंग्स पैलेस था, ड्यूमा का पैलेस था एंड द अदर ऑफिशियल्स का क्वार्टर था. ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स में रैंक्स एक्ट. यहाँ तक बताया जा रहा है, जो 27 फरवरी को जो पुलिस स्टेशन था उसको घेरने का काम कौन करने लगा? दैट वॉज द वर्कर्स, दैट वे आर द पॉलिटिशियन. द स्ट्रीट्स थ्रोन विद द पीपल रेजिंग स्लोगन्स आउट. किसके लिए? अबाउट ब्रेड वेजेज, बटर या बेटर आवर्स एंड द डेमोक्रेसी. व्हाट फोर डिमांड वेयर पुट बाय द वर्कर्स बिफोर द किंग. राजा के सामने चार क्या डिमांड रखा गया? व्हाट वॉज डिमांड ऑफ ऑन दैट टाइम? देर वॉज नो डिमांड फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, बट देर वेयर द फोर इंपॉर्टेंट डिमांड पुट बाय द वर्कर्स बिफोर द होम, बिफोर द Tsar Nicholas II. चार चीज का मांग किया, का जो हमारा ये चार चीज पूरा कर दीजिए, हम अपना आंदोलन को वापस ले रहे हैं. व्हाट वेयर दीज ये डिमांड? पहला था ब्रेड, मीन्स देयर शुड बी एश्योरेंस ऑफ द फूड. प्रत्येक आदमी को भोजन का व्यवस्था मिलना चाहिए, पहला डिमांड था. सेकेंड था द वेजेज ऑफ द वर्कर शुड बी इम्प्रूव्ड. जो उनको मजदूरी मिलती थी उसको बढ़ाया जाए, इस बात पर जोर दिया गया. आप जानते हैं, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट इन द रशियन वर्कशॉप वर्कर्स वे आर फोर्स टू परफॉर्म द वर्क 12 to 15 hours. जनरली इन फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री दे वे आर फोर्स टू प्रोवाइड सर्विस टू 10 to 12 hours. आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, 10 to 12 hours उनको काम करना पड़ता था. कहाँ? दैट वॉज द इन द कोर्ट ऑफ द वेयर दैट ये कोर्ट कहते हैं, दैट वॉज द फैक्ट्री और इंडस्ट्री. तो ये लोग कहने लगे, हमारा वर्किंग आवर्स को क्या कीजिए, कट कीजिए, उसको कंफर्टेबल बनाइए. अभी के समय में आप देखते हैं जो वर्किंग आवर 4 hours, 6 hours, उससे ज़्यादा करने होता है. बट ऑन दैट टाइम द वर्कर्स वी आर फोर्स टू प्रोवाइड द सर्विस फॉर 10 to 12 hours. सो दे डिमांडेड फॉर वॉट? दैट वॉज द बेटर आवर्स ऑफ द
वर्किंग कंडीशंस, और सबसे लास्ट में किसी का डिमांड किया गया था, डेमोक्रेसी. व्हाट वाज द फोर्थ डिमांड ऑफ द रेवोल्यूशनरीज? एंड ऑफ द ऑटोक्रेटिक रूल एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रूल. देश में ऑटोक्रेटिक रूल नहीं रहेगा. देयर वेयर द फोर इंपॉर्टेंट डिमांड पुट बाय द रेवोल्यूशनरी बाय द वर्कर्स एंड द लेटर ऑन एडेड हु ज्वाइन दिस दैट वाज द पॉलिटिशियन. पहला था ब्रेड, द अश्योरेंस ऑफ द ब्रेड फॉर एवरी वन. सेकेंड बेटर वेजेज, उनको मजदूरी ज़्यादा से मिलना चाहिए. बेटर वर्किंग आवर. एंड फोर्थ था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द कंट्री. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा व्हाट वॉज द मेन डिमांड ऑफ द रेवोल्यूशनरी ऑफ फरवरी रेवोल्यूशन 1917, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द कमिंग एग्जामिनेशन, यू विल एक्सप्लेन द फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट दे डिमांडेड फॉर ब्रेड, दे डिमांडेड फॉर बेटर वेजेज, दे डिमांडेड फॉर बेटर वर्किंग आवर एंड फोर्थ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. एम आई क्लियर? अगर आपको कहीं पर समझने में दिक्कत रहेगा, अगर लगेगा, तो आप रिप्लाई पूछ सकते हो, या फिर जो आगे आपको नेक्स्ट क्लास होगा उसमें भी आप अपना स्टडी करके रखिएगा. यू कैन आस्क क्वेश्चन. मोस्ट प्रोबेबली वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू सर्विस लाइक द ऑफलाइन क्लास. हम आपको ऑनलाइन क्लास से बेटर, मतलब ऑफलाइन क्लास में आप जैसे पढ़े हैं उसी स्टाइल का पढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो आपको किसी भी कीमत पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो. इफ यू विल फील एनी प्रॉब्लम, आप उसको शेयर कीजिएगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट. उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. तो बता दिया गया देयर वेयर द फोर इंपॉर्टेंट डिमांड ऑफ द वर्कर्स. व्हाट वेयर देयर डिमांड? तो हम आपको चारों बता चुके हैं, ब्रेड, बेटर वेजेज, बेटर वर्किंग आवर, और फोर्थ डिमांड क्या रखा गया था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. अब जरा देखो रिएक्शन क्या होता है, नहीं होता है. सो व्हाट एक्शन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट? हाउएवर इन दैट वेरी सिचुएशन, इस स्थिति में राजा की तरफ से क्या किया गया, द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवेलरी वंस अगेन. अब देखो राजा क्या हुआ, थोड़ा सख्त नीति को अपनाया. द किंग टुक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप एंड दे कॉल्ड व्हाट दैट वाज द कैवेलरी एंड ऑर्डर्ड देम टू फायर अपॉन द व्हाट दैट वाज द रेवोल्यूशनरी, बट हु रिफ्यूज टू डू सो. ऐसा करने से कौन इनकार कर गया, दैट वाज द कैवेलरी. देखिए हाउएवर द कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, जो प्रदर्शन कर रहे थे, क्रांतिकारी थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, हु रिफ्यूज टू स्टार्ट फायरिंग अपॉन देम, दे वेयर द गवर्नमेंट ट्रूप्स. राधा का जो सेना था, कैवेलरी था, दे रिफ्यूज टू डू सो, मीन्स दे वेयर नॉट रेडी टू फॉलो द ऑर्डर गिवन बाय द किंग. राधा के तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था उसको अभी ये फॉलो करने के लिए रेडी नहीं थे. हु वे आर नॉट रेडी टू फॉलो दिस ऑर्डर, दैट वॉज द रेवोल्यूशनरी, दे वे आर द डेमोन्स्ट्रेटर. देन वॉट एक्शन वॉज टेकन? अब देखो क्या होता है. सो एंड द ऑफिसर्स वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ द रेजिमेंट एंड द थ्री अदर रेजिमेंट्स म्यूटेंट. अब यहाँ पर आपको बता दिया गया, वन साइड कैवेलरी डिफ्यूज टू स्टार्ट ओपन फायर अपॉन द डेमोन्स्ट्रेटर, देन व्हाट दे डन, तो उनके द्वारा फिर क्या किया गया, दे द कैवेलरी डिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, ये तो बता दिए. एंड द ऑफिसर्स वॉज शॉट एट द बैरक्स, याद रखना बैरक के सामने जो कैवेलरी का ऑफिसर था उसको मार दिया गया. मीन्स दिस कैवेलरी, दिस फोर्स टुक एक्शन अगेंस्ट देयर द ऑफिसर, दे डिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ हिज ऑफिसर, वो अब रेडी नहीं थे. मीन्स दे बिकेम सपोर्टर ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर, दे बिकेम सपोर्टर ऑफ द वर्कर्स, वो उसके इंटरेस्ट को सपोर्ट करने लगे. उनको लगा इट वॉज अ जेन्युइन डिमांड ऑफ द वर्कर्स, वर्कर का जो डिमांड था या जो कहा जा रहा था वो सही था. ऑफ ए रेजिमेंट एंड थ्री अदर्स वेयर, क्या हो जाता है, रेजिमेंट्स म्यूटेंट. यहाँ पर बता दिया गया एक जगह पर तो एक ऑफिसर मारा गया, इसके अलावा और जो तीन रेजिमेंट था, किसका, कैवेलरी का, सेना का, वो क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया. म्यूटेंट वर्ड यूज किया गया, म्यूटनी में समझते विद्रोह, तो उनके द्वारा भी विद्रोह कर दिया गया. मीन्स दे डिड नॉट रेडी टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, फॉलो द ऑर्डर ऑफ द किंग. अब वो राजा के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं थे, वो राजा के बात को मानने के लिए रेडी नहीं थे. अब देखो इस स्थिति में देखिएगा, पॉलिटिशियन, वर्कर्स एंड द मिलिट्रीमैन के बीच एक एग्रीमेंट बना, और उसी के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट ये वर्ड आया एग्जिस्टेंस में, दैट इज सोवियत, जिसका मीनिंग होता है काउंसिल ऑफ वर्कर्स.
समझ गया, आपको यहाँ पर सिर्फ बुक में दिया हुआ होगा काउंसिल, जस्ट आई एम गोइंग टू चेंज द पेज, वहाँ पर आपको ये वर्ड मिलेगा। लेकिन डीएल में जो सोवियत वर्ड का SOVIET सोवियत वर्ड होगा, उसका मीनिंग होता है काउंसिल ऑफ वर्कर्स, समझ गए, किसका परिषद, तो मजदूरों का परिषद। देखिए क्या दिया हुआ है, एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ द रेजिमेंट एंड थ्री अदर रेजिमेंट्स म्यूटेंट वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। वो क्या डिसाइड किए, इस वर्कर को डिसाइड करना, मतलब ज्वाइन करना, दोज वर्कर्स हु वेंट ऑन द स्ट्राइक हु डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट द किंग, राजा के अगेंस्ट में जो प्रदर्शन कर रहे थे उसको ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड कॉन, तो बताया जा रहा है स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म ए सोवियत और द काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एट द ड्यूमा मेट। अब आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले दूसरा पॉलिटिशियन से आगे आपको मिलेगा, जब वो किंग से मिलने के लिए जा रहे थे और दे वेयर फॉरबिड बाय द होम बाय द मिलिट्री हेड एंड दे एक्सेप्टेड देयर प्रपोजल, तो उसी स्थिति में तीसरा एग्रीमेंट भी बना था, तो उसको भी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है, इन दैट वेरी कंडीशन देयर वॉज ए मीटिंग हेल्ड इन द पैलेस ऑफ द ड्यूमा, यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, द पैलेस इन विच द मेंबर ऑफ द ड्यूमा मेट, इन दैट वेरी पैलेस देयर वॉज ए मीटिंग अरेंज्ड बाय द मिलिट्री मैन एज वेल एज बाय द वर्कर्स एंड दे डिसाइडेड टू सेटअप व्हाट, उनके द्वारा क्या सेटअप करने का काम किया गया, एक काउंसिल को सेटअप करने का काम किया गया। व्हाट वॉज द नेम ऑफ दैट वेरी काउंसिल, स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म ए सोवियत और द काउंसिल। यहाँ पर देखो वर्ड दिया हुआ है सोवियत और काउंसिल, आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट डज द वर्ड सोवियत मीन, अगर आपसे कोई पूछेगा SOVIET इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है काउंसिल ऑफ वर्कर्स। आप हायर क्लास का और पढ़िएगा किताब तो आपको ये वर्ड मिल जाएगा, काउंसिल ऑफ वर्कर्स, ये वर्ड आपको मिल जाएगा आसानी से, समझ गए। यहाँ पर काउंसिल शब्द हो सकता है परिषद, आप नहीं समझ पाइएगा, तो इनफैक्ट द काउंसिल ऑफ कमांडली सेटअप बाय द वर्कर्स एंड द मिलिट्री मैन, सो इट वॉज गिवेन द नेम ऑफ द वर्ड सोवियत। वट डज द वर्ड सोवियत मीन, काउंसिल ऑफ वर्कर्स और काउंसिल भी बोल सकते हो। अब बताया जा रहा है इन द सेम बिल्डिंग एट द डीमा मेट, दिस वॉज कॉल्ड द पेट्रोगार्ड सोवियत, माइंड इट दैट पैलेस ऑफ द ड्यूमा लोकेटेड इन द एरिया ऑफ द पेट्रोगार्ड, सो दिस सोवियत वॉज नोन एज द पेट्रोगार्ड सोवियत। समझ में आ गया, यहाँ पर आपको बता दिया गया सबसे पहले जो वर्कर्स एंड मिलिट्री मैन बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू सेटअप या डिसाइडेड टू हेल्ड ए मीटिंग एंड थ्रू दैट वेरी मीटिंग दे ज्वाइंटली सेटअप ए काउंसिल। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट वेरी काउंसिल, दैट वाज द पेट्रोगार्ड सोवियत और काउंसिल ऑफ वर्कर्स विच वॉज हेल्ड एट द या सेटअप एट द प्लेस ऑफ पेट्रोगार्ड, इसको बनाने का काम किया गया। पेट्रोगार्ड इज द नेम ऑफ द व्हाट प्लेस, आप जानते हैं पेट्रोगार्ड किसका नाम बदल करके कर दिया गया था, वंस सेंट पीटर्सबर्ग, दैट वाज द वर्ड ऑफ जर्मन ओरिजिन, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्रम में आप जानते हैं द पीपल ऑफ द रसा वेयर टू मच अनॉयड टू द जर्मनी एंड दे डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग एंड फाइनली इट वॉज चेंज इन टू वॉट, दैट वॉज द पेट्रोगार्ड। तो बता दिया गया द काउंसिल ऑफ द वर्कर्स विच वॉज सेटअप इन फरवरी 1917 एट पेट्रोगार्ड, इट वॉज गिविन द नेम ऑफ द पेट्रोगार्ड सोवियत। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ द पॉलिटिशियन ऑल्सो बिकम द मेम्बर ऑफ दिस काउंसिल, इसको कैसे ज्वाइन किया उसको जरा देखो। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन ए डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। वॉट डज द वर्ड डेलीगेशन, रिप्रेजेंटेटिव, वॉट डज द वर्ड डेलीगेशन मीन्स रिप्रेजेंटेटिव, ये डिसाइड किया कि हमको जार से मिलना है। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एबडिकेट बट मिलिट्री कमांडर डिसाइड या फॉरवेड हुम, दैट वॉज द पॉलिटिशियन दे शुड नॉट मीट टू हुम, दैट वॉज द किंग, राजा से उनको नहीं मिलना चाहिए। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड दीज पीपुल फॉलोड हुज एडवाइस, दैट वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी एंड एबडिक्टेड ऑन द 2nd March। सोवियत लीडर्स एंड द डीमा लीडर्स फॉर्मड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब देखो क्या डिसीजन लिया गया, द मेम्बर ऑफ द सोवियत काउंसिल या पेट्रोगार्ड काउंसिल एंड द पॉलिटिशियन बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू सेटअप ए न्यू गवर्नमेंट इन द टेरिटोरी ऑफ रसा
it was as the republic government. एक गणतंत्र को सेटअप करने का ये डिसीजन लिया, एकदम क्लियर लाइन दिया हुआ है कब. ही फॉलोड देयर द एडवाइस एंड एबडिक्टेड ऑन 2 मार्च, मतलब किसको, राधा से मिलने से इनकार किया. सोवियत लीडर्स एंड द डीमा, हु वेयर सोवियत लीडर्स, द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ वर्कर्स, वो दे वेयर नोन एज द व्हाट, दैट वाज द सोवियत लीडर्स. एंड डीमा लीडर्स, हु वेयर डीमा लीडर्स, दे वेयर पॉलिटिशियन. Once they were the member of the Dima, Dima was dissolved by whom? By the king on 25th February 1917. तो क्या हुआ, अब जो काउंसिल ऑफ द वर्कर्स के मेंबर थे, सोवियत काउंसिल के मेंबर थे सो और डीमा के मेंबर, दोनों डिसाइड किया टू सेटअप ए प्रोविजनल गवर्नमेंट, एक कार्यवाहक सरकार को सेटअप किया जाए. और ये किस प्रकार की सरकार होगी, एक रिपब्लिक गवर्नमेंट की तरह होगा. ऑन द टू रन द कंट्री, रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली. सेकेंड वो क्या डिसाइड किए, व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ऑल ऑफ यू आर फुल्ली कन्वर्जेंट, संविधान निर्मात सभा कहा जाता है. तो दे डिसाइडेड टू सेट अप ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन द कंट्री, हु वुड फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. उनके द्वारा डिसाइड किया गया कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा जो देश के लिए संविधान बनाएगा और उसी संविधान के अनुकूल शासन चलेगी. दिस डिसीजन वॉज टेकन बाय द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ वर्कर्स, मीन्स सोवियत, रशियन सोवियत, एज वेल एज बाय द होम, बाय द मेंबर ऑफ द डीमा. ये डिसाइड किया, रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब यहाँ पर यह यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. यू शुड नो दे डिसाइडेड टू सेट अप, मीन्स इन द प्लेस ऑफ ड्यूमा दे डिसाइडेड टू सेट अप फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन द कंट्री. ड्यूमा के जगह पर अब ये लोग क्या डिसाइड किए थे, रसा के लिए एक क्या सेटअप किया जाएगा, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली. हु वुड इलेक्ट द मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, दे वुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इनके द्वारा डिसाइड किया गया जो एक जैसा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, सफरेज के आधार पर उनको चुनने का काम किया जाएगा. द मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द रसा वुड बी इलेक्टेड बाय द होम, बाय द पीपल ऑफ दैट वेरी कंट्री. पेट्रोगार्ड हैड लेड टू द फरवरी रेवोल्यूशन दैट brought down the monarchy in February 1917, and through this incident, याद रखना इस घटना के द्वारा क्या हो गया, the monarchy system came to an end in the territory of Russia. रसा में कौन सा सिस्टम का अंत हो गया, that was the ये जार निकोला शासन के का जो शासन था उसका अंत हो गया. हम एक बार फिर इतना हाईलाइट कर देते हैं मेन बात को और फिर हम मतलब आपको आगे बता रहे हैं इसका जो अब तक हम पढ़ा दिए हैं. दिस इज टॉपिक ऑफ हिस्ट्री एंड ऑन सम ओकेजन यू फाइंड इट इज कॉम्प्लिकेटेड, तो आप किसी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम में नहीं पड़िए, इसलिए हम आपको इसको एक बार फिर से समझा देते हैं क्या बताने का काम किया अब तक. सो इन फरवरी 1917 द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वेयर दैट वॉज द रसा वॉज वेरी मेजरेबल, बद से बदतर था. पेट्रोगार्ड में भी यही स्थिति बना हुआ था. आपको बताया गया देयर वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इन द कैपिटल सिटी ऑफ द रसा. वॉट वॉज द नेम ऑफ दैट वेरी रिवर, रिवर नेवा. लेफ्ट बैंक साइड वॉज द VIP एरिया, देयर वॉज द पैलेस ऑफ द किंग, विंटर पैलेस. इसके अलावा डीमा पैलेस एंड द कॉलोनी, क्वार्टर्स ऑफ द ऑफिशियल्स, मतलब जितना भी ऑफिसर थे उनका था. एंड इन द राइट बैंक साइड देयर वॉज द मोर नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द इंडस्ट्रियल क्वार्टर्स. बताया जा रहा है इन फरवरी 1917 द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स बिकेम वेरी मेजरेबल एंड इन वन फैक्ट्री देयर वॉज अ कंडीशन ऑफ लॉकआउट क्रिएटेड. वहाँ पर ताला जड़ दिया गया. इट वॉज फाइनली सपोर्टेड बाई द वर्कर्स ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज. इवन फीमेल वर्कर ऑल्सो डिसाइडेड टू गो ऑन स्ट्राइक. वो भी डिसाइड किया कि कहाँ चले जाओ, स्ट्राइक पर जाने का डिसाइड किया. Finally, they crossed the river Neva and entered in the territory of where that was the left bank side. वहाँ पर उन लोगों के द्वारा किसको घेरा जाने लगा, that was the quarter of the government official building जो था उसको वो घेरना शुरू किए. In that very condition, what was imposed in that very area, that was the curfew. जो हम आपको एकदम चेन बता रहे हैं उसको समझते चलिए. वहाँ पर क्या कंडीशन क्रिएट कर दिया गया, तो कर्फ्यू कंडीशन क्रिएट कर दिया गया. इन दैट वेरी कंडीशन ऑन 23rd February 1917 व्हाट कंडीशन वाज क्रिएटेड, द डिमोन्स्ट्रेशन वाज डिस्पर्स्ड. जो डिमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, रेवोल्यूशन चल रहा था, उसको डिस्पर्स करना पड़ा. लेकिन वो इतना ही करके रुके नहीं. ऑन 24th and 25th दे अगेन इंटर्ड इन दैट वेरी एरिया. इन दैट वेरी कंडीशन वहाँ पर कैवेलरी को बुला लिया गया एंड दे वेयर ऑर्डर टू कीप आई ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर. इनके ऊपर कड़ी नज़र रखने के लिए कहा गया. वाट द रिएक्शनरी
a step was taken by the king that on 25th February 1917 what was dissolved, Dima was dissolved, isko dissolve kar diya gaya. Yaad rakhna, that was the major cause of discontent among the member of the Dima. Ab yaad rakhna, is sthiti mein wahan par thoda sa sthiti aur intensified hua. And finally king what, matlab 27 aur 28 ke liye aapko diya hua hai, 26 27 28 February, 26 27 and 28 February, what situation was created? To bataya gaya, cavalry was order given order to start fire upon the what demonstrator, but they refused to do so. Wo waisa karne se inkar kar gaye. Who refused to do so? That was the cavalry, and even they killed his commander. Wo apne commander ko hi khatam kar diya. Yahan tak aapko bataya ja raha hai, the in other three ये बैरक्स, या यहां पर आपको वर्ड यूज किया गया है, इन अदर थ्री रेजिमेंट देयर वाज द कंडीशन ऑफ म्यूटी क्रिएटेड, मींस दे आल्सो म्यूटिंड इन सपोर्ट ऑफ द होम दैट वाज द वर्कर्स. वो वर्कर के सपोर्ट में विद्रोह कर दिए, मींस नाउ दे वे आर नॉट रेडी टू सपोर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द किंग एट एनी कॉस्ट. अब ये राजा के इंटरेस्ट को किसी भी कीमत पर सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं थे. देन व्हाट एक्शन वाज टेकन, फाइनली इसका अंतिम एक्शन क्या लिया गया उसको जरा देखो. नाउ इन द पैलेस ऑफ द डीमा the representative of the workers as well as the member of the representative of the military men sat together and decided to set up a council. What was the name of that very council? That was the Petrograd Soviet, means they set up a Soviet. What does the word Soviet means? I have already taught you, Soviet means council of workers, iska arth hi hota hai council of workers. To usko set up karne ka kaam kiya gaya tha, and the council which was set up, it was known as the Petrograd Soviet because it was set up at the place of Petrograd. So it was given the name of the Petrograd Soviet. Now I am going to teach you how the member of the political parties involved in this revolution. Bataya ja raha hai that representative of the Dima decided to meet whom? That was the king, but they were forbid by the whom? By the military officers. And fortunately these members decided to what? नॉट मीट टू किंग. वो उसके बात को मान लिए और डिसाइड किए जो राजा से हमको नहीं मिलना है. ये कब की घटना है? 2 मार्च 1917. इसके बाद आपको बताया जा रहा है, नाउ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ वर्कर्स एज वेल एज द मेंबर ऑफ द ड्यूमा बोथ डिसाइडेड टू सेट अप ए प्रोविजनल गवर्नमेंट इन द कंट्री. दोनों मिलकर के ये डिसाइड किया जो क्या सेटअप करना है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को सेटअप करना है. एंड कंट्री देयर वुड बी ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द कंट्री हुज मेंबर वॉज इलेक्टेड बाय द होम बाय द कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. जो व्यक्त मताधिकार होता है उसके आधार पर उसको चुनने का डिसीजन लिया था. कल हम आएंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर रिटर्न में ही, मीन्स इट में ही पॉसिबल और बेटर टू से. यहाँ पर आपको एक चीज हम कह रहे हैं, एवरी थिंग कैन नॉट बी डन थ्रू दिस टीचिंग. सो आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू नोट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रिप्योर इट्स आंसर. दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन कमिंग एग्जामिनेशन. सबसे पहला आपको बताने जा रहे हैं वाई द वर्कर्स ऑफ लेफ्ट इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द राइट बैंक साइड ऑफ द रिवर इंटर्ड इन द टेरिटोरी ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द बैंक ऑफ रिवर नेवर, मीन्स इन वी आई पी जो एरिया था उसमें क्यों इंटर किया था, उसका कारण बताया, उसको डिस्क्राइब करने के लिए दे सकता है. सेकेंड बताया जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा सेकेंड, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स के क्या डिमांड थे. जो हम आपको चार डिमांड बता दिए हैं, एट एनी कॉस्ट याद होना चाहिए. दैट वॉज द पहला डिमांड क्या था, व्हाट वॉज देयर फर्स्ट डिमांड, इफ यू वेयर इन द विच क्लास, दैट इज द ऑफलाइन क्लास, व्हाट विल बी योर रिप्लाई. सबसे पहला जो इन लोगों के द्वारा डिमांड किया गया था, एश्योरेंस ऑफ द ब्रेड, सबसे पहले किसी का मांग किया था ब्रेड का. सेकंड किसी का डिमांड किया था, बेटर वेजेस का. तीसरा किसी का डिमांड किया था, बेटर वर्किंग आवर. एंड फोर्थ क्या था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. सबसे लास्ट में जो आपको दो क्वेश्चन और आ सकता है, हाउ काउंसिल ऑफ वर्कर्स सेटअप, इसको एक लिखिएगा. और दूसरा, हाउ द मेंबर ऑफ द whom council of workers and the deputy of the Dima decided to set up provisional government in Dasa. It seems that time is over. Tomorrow I will again start this topic from here. Thank you very much.
कुछ लिखने के लिए अपना क्वेश्चन ही बता दिए।